नमस्कार, पोलकोल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा में अनलॉक एक का 20वां दिन है। प्रदेश सरकार ने कोरोना टेस्ट से जुड़ा अहम फैसला लिया है। हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल में अब कोई भी कोरोना जांच 2400 रुपए में करा सकेंगे। पहले इसके लिए 4500 रुपए लिए जा रहे थे। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले की जाँच सरकार खुद कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लैब के नई रेट की डिस्प्ले करना होगा। हरियाणा में कोरोना अब कोहराम मचा रहा है, लोगों की हर दिन जान ले रहा है। 31 मई तक राज्य में सिर्फ 22 लोगों की मौत हुई थी, परंतु अब मात्र 19 दिनों में औसत हर दिन 7 लोगों की मौत हो रही है। यानी इस अवधि में 132 लोग संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके। राज्य में पहली मौत 2 अप्रैल को हुई थी, जबकि दूसरी तरफ सीरियस मरीजों की आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा। इस वक्त प्रदेश में 63 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला पंचकुला में अब लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। हर रोज यहां अब बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को पंचकुला में 23 मामले सामने आए, तो शुक्रवार को 11 संक्रमित पाए गए। वहीं आज पंचकुला में अब तक 5 मरीज सामने आए हैं। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने इसकी पुष्टि की है। आज सामने आए मरीजों में से 3 पंचकुला से हैं। जिले में इस बार औसत से ज्यादा मानसूनी बरसात होने का अनुमान है, ऐसा मौसम विभाग भी मान रहे हैं। जून के आखिरी सप्ताह में जिले में मानसून की बारिश दस्तक दे सकती। इस बार सितंबर के आखिरी सप्ताह तक बारिश का दौर चलने की संभावना है। वैसे प्री मानसून की बारिश के दौर जिले में मई माह से शुरू हो गया है, जो जून में जारी है। इस साल कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में 12.5 MH, फरवरी में 5.5 MH, मार्च में 71.5 MH, अप्रैल में 13.8 MH, मई माह में 43.3 MH और जून माह में 70 MH बारिश हुई है। कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान पानीपत के गांव नवादापर की मस्जिद के पकड़े गए तबलीगी जमात के 2 विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। थाना सनौली के नियुक्त सब इंस्पेक्टर सुजीत सिंह की शिकायत पर 2 अप्रैल को पर्यटक के रूप में भारत आकर अवैध तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार करने आदि के आरोप में 1946 की धारा 14B, 14C, लॉकडाउन व IPC की धारा 144 की पालना नहीं करने और IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हरियाणा न्यूज देखने के लिए बने रहे पोलकोल पोस्ट के साथ। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109422688। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर।